हंसा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना हंसा? लेकिन ललित तुम यहाँ पहुँचे कैसे? बहुत मुश्किल से पहुँचा हंसा। असल में मैं ना फार्म हाउस पे जा रहा था, लेकिन देखो हमारी किस्मत, उसकी जीभ यहीं पर आके खराब हुई। हंसा मुझे सब पता चला कि अंकल और बुआ जी ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है? दुनिया में इतने लोग जीते हैं, हम लोग भी भूखे नहीं मरेंगे। मुझे हंसा कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। हंसा चलो, नहीं ललित, हंसा भाग चले। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कैसी पागलों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें डर तो नहीं लगा अकेले? नहीं। इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है कि जीप की तरफ आग उठाकर भी देख सके। सब पहचानते हैं। अब ये ठीक हो गई? क्या इसकी प्यास बुझ गई? लेट्स सी, देखते हैं। अब तो ठीक से चलेगी ना? स्टार्ट तो करने दो पहले। अरे कनक दीदी, आप आइए आइए ना। बुआ जी नमस्ते। अरे बंटी इतना बड़ा हो गया? इस बार कितने दिन के लिए आए हो? बस अब हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, फूफा जी नहीं आए? नहीं, वो अब शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी उसमें बुआ जी मुझे जाना है। बाय, जल्दी आ जाना। ओके, यस मॉम। आओ ना दीदी। चाय? नहीं, बस अभी पी के ही आई। कैसे, क्या बात है दीदी, कुछ परेशान दिख रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आप कह रही थी कि जीजा जी शहर में नहीं है, कहाँ गए हैं? उनकी फिक्र मत करो, वो तो मजे में है, मुझे उनकी चिंता नहीं है। कल तक मैं परेशान थी, सोचा तुम्हें फोन करूं, फिर सोचा जब मुझे ही कुछ नहीं मालूम तो तुम्हें फोन करके क्या फायदा। मुझे बता के ही नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, और शायद उनको भी पता नहीं होगा कि कब वापस आना है। मतलब हनीमून पे गए हैं? हाँ, हनीमून पे। अजीब लगता है ना अपने पति के हनीमून के बारे में बात कर रही हूँ, पर किस्मत ने जो अजीब मजाक खेला है मेरे साथ, उसे आंख मूंद के अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना, जो सच्चाई है उसे नकारा तो नहीं जा सकता। मेरा पति एक और औरत का भी पति है, और इस वक्त उसके साथ हनीमून मना रहा है। ये हमेशा कहते थे कि कुछ दिन की छुट्टी लेके फार्म हाउस पे चलेंगे, एक एक चीज के किस्से सुना सुना के कान पका डाले थे मेरे। कहते थे वहां जाके दूसरा हनीमून मनाएंगे अपना। कभी वक्त ही नहीं मिला, कभी अम्मा जी बीमार पड़ गई, कभी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, बस बहाने मिलते गए। असल में मुझे वहां जाना ही नहीं था, पर चलो उनका तो दूसरे हनीमून का सपना पूरा हो गया, तो खुश है, और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे मुझे खुश होने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं तो औरत हूं ना, औरत की औकात ही क्या है, वो तो कोई दूसरी भी आ सकती है, वो तो सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए होती है, मैं तो वो भी नहीं कर सकती। मुझे तो जीने का भी हक नहीं है। ये क्या कम है कि मैं खाती हूँ, पीती हूँ, बाहर अंदर जाती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, यहाँ तक कि अपने दुखों पे रो भी सकती हूँ। दीदी, पता नहीं क्या क्या कह गई मैं, भूल जाना मैंने जो भी कहा, शायद
कहा अपने आप से कहा। दीदी रुक जाइए ना। नहीं मैं दीदी रुक जाइए थोड़ी देर, मैं जा रही हूँ सोती। आपने तो सोने की पूरी तैयारी कर ली। और आधी सो भी चुकी हूँ। अच्छा लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन से सवाल का? यही कि आप हमें प्यार करती हैं या नहीं। थत सॉरी। थत सॉरी, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद ही नहीं मालूम। आप हमें पसंद तो करती होंगी ना, लेकिन प्यार नहीं करती। आपसे प्यार करना जरूरी है क्या? जब शादी की है हमसे तो प्यार तो करना ही पड़ेगा। ऐसे अचानक थोड़ी ना प्यार हो जाता है। पापा से, बुआ से और बबलू से तो मैं बचपन से ही प्यार करती आ रही हूँ। पति से कैसे प्यार करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। अगर आप सीखने को तैयार हो तो हम आपको सिखा सकते हैं कि पति को प्यार कैसे किया जाता है। तो सिखाइए। तो हमारे करीब आइए। और करीब, और करीब। अब अपनी बाहें हमारे गले में डाल दीजिए। देख तो कौन है इस वक्त। कौन है? अरे रणवीर, तुम कैसे इस वक्त? आओ बैठो। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। राठौर साहब कहाँ हैं? वो फार्म हाउस पे है हंसा के साथ। आपने मेरे हाथ बांध रखे हैं वरना मुझे समझ में नहीं आता आप उनके साथ ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही हैं। जब आपने उनके खिलाफ कुछ करना नहीं तो उनके साथ रहने से क्या फायदा? आप उनसे अलग क्यों नहीं रहती? कम से कम ये रोज का टॉर्चर तो नहीं सहना पड़ेगा। दीदी इससे आपको कुछ हो ना जाए मुझे डर लगता है। अभी मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस तरह से इस घर में रहते हुए मेरा दम घुटता है, लेकिन मैं अकेली कहां जाऊं? घर आपका है, आपका इस घर पर पूरा हक है। उनसे बोलिए कि अगर उन्हें दूसरी बीवी रखनी है तो घर से बाहर रहें। अभी भी तो वही हो रहा है। वो कहां है इस घर में? कौन सी बड़ी राहत है मुझे इस घर में? उनकी आंखों के सामने होने या ना होने से कोई सच तो नहीं बदलने वाला ना। साहब को गए इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ पता ही नहीं। हाँ हफ्ता भर तो हो गया होगा। बताओ, एक हफ्ता हो गया? भाभी पर क्या गुजरती होगी? अरे गुजरती क्या होगी, कलेजा कटता होगा। लेकिन मजाल है चेहरे पे कोई शिकन देखने को मिल जाए, दिल पे पत्थर रख लिया है। हाँ परेशान तो मैंने भी देखा, पर आंख से आंसू गिरते नहीं देखा। लेकिन ऐसा किसी के साथ और एक आंसू भी ना गिरे हो ही नहीं सकता। जरूर हमसे तुमसे छुप कर रोती होंगी। देखो टोटी, औरत की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि उसका मर्द उसे छोड़ दे। क्या साहब ने भाभी को छोड़ दिया? अरे दूसरी कर ली है उन्होंने, उनको लेके कहीं और रह रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि छोड़ दिया। तो साहब यहां नहीं लौटेंगे? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। हे भगवान, हमारी भाभी का क्या होगा? एक बात कहें टूटी,
हम अपने साहब की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब हमारे दिल में हमारे साहब के लिए नफरत पैदा हो गई है। अगर वो वापस लौट भी आए ना, तो उनकी सेवा में मेरा मन नहीं लगेगा। बहुत बुरा काम किया है उन्होंने, बहुत बुरा काम। अच्छा ललित, तुमने तो मुझे डराया दिया था। कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर एक बार भी तुम खिड़की पर आ जाती तो हम यहाँ से भाग जाते ना। क्या तुम खिड़की पर थे? मैं खिड़की पर नहीं था, लेकिन मैं नजर रखे हुए था। तो यहाँ से भाग चले। पर कहाँ? अरे कहीं भी, कम से कम यहाँ से तो चले। नहीं ललित। क्यों नहीं? तुम्हें डर है कि वो हमें फिर से पकड़ लेंगे? तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ललित? जब यही मेरी जिंदगी है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं भाग सकती। देखो हंसा, अपने आप को इतना मजबूर मत समझो। दुनिया में हर किसी को खुश रहने का हक है, तुम्हें भी है, मुझे भी है। और अब तो किस्मत हमें मौका दे रही है। ललित तुम मुझे समझते क्यों नहीं? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। हंसा तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम इसे सच मानने को तैयार नहीं हो। मेरी आंखों में देखो ललित, मैं वाकई खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया है। मुझे किसी और के साथ कहीं और भाग कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति ही मेरी खुशी है। और तुम इस तरह से बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से ललित, तुम जाओ यहाँ से। मॉर्निंग। तुम्हें देखकर लगा कि सूरज तो अब उगा है। या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरे देर से उठने पर मेरा मजाक बना रहे हैं? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई मजाक बना सकता है क्या? अच्छा चलिए चाय पी लीजिए। आप कब उठे मुझे तो पता ही नहीं चला। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी और फिर कल सोते सोते देर भी हो गई थी ना। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम बहुत तेज स्टूडेंट हो। पाई लागे भौजी। बैठो तिलक से, बैठो बैठो। वो चावल और बाजरे का हिसाब लाए। क्या हुआ, चावल बहुत कम हुआ इस साल? क्या करे, बारिश कम हुई थी ना तो धान खेत में खड़े खड़े खराब हो गया। लेकिन बाजरा बहुत अच्छा हुआ है, पिछले साल से 2 टन ज्यादा। तुम्हारे भैया जी के क्या हाल है? वो ठीक ही होंगे भौजी। क्यों, क्या वो ठीक नहीं है? नहीं भौजी, वो काम धाम के चक्कर में बस भैया से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। मुझसे शर्म आ रही है इसलिए झूठ बोल रहे हो या राठौर साहब के डर के मारे झूठ बोल रहे हो? नहीं भौजी, इसमें डरने शर्माने वाली कोई बात नहीं। तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है भौजी? वहां जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमने वहां जाना ही छोड़ दिया। क्या बर्दाश्त नहीं होता? भौजी, हम आपकी जगह दूसरी औरत को नहीं देख सकते। वहां अमर भैया उस छोकरी के साथ हंस के कभी उसे जीप में घुमाने ले जाते हैं, कभी पैदल टहलने निकल जाते हैं। भौजी, हमने 10 साल से आप लोगों की सेवा की है। अमर भैया और आपको राम सीता की जगह पूजा है। लेकिन अमर भैया ने हमारे मन में बसी उस मुहूर्त को खंडित कर दिया। अमर भैया ने ठीक नहीं किया भौजी,
उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और ये देखकर हमारा कलेजा खोलता है। मन में तो आता है कि क्या करें। तो कुछ करते क्यों नहीं जी? मैंने कहा इतना दर्द है तो कुछ करते क्यों नहीं? फिर शुरू हो गया। देखते नहीं वो सो रहा है। सो रहा है इसलिए तो कह रहा हूँ। वो अपने कमरे में क्यों नहीं जाता? कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ सो गया तो क्या हुआ? देखो मुझे पसंद नहीं है जब उसका वो अपना कमरा है तो वहाँ जाकर वो क्यों नहीं सोता? सोता तो था अपने कमरे में। तुमने उसे वहाँ से निकाल कर हॉस्टल भेज दिया और इतने दिनों तक वो हॉस्टल में ही सो रहा था ना। आज बेचारा थक गया है, मुझसे बातें करते करते सो गया। आज की बात नहीं, जब भी वो हॉस्टल से आता उसे मेरा ही मिश्रा मिलता पसंद के लिए। देखो छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बना, तुम जाओ उसके कमरे में। उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं अपने रूम में सोऊंगा। बंटी उठो। क्या? बंटी जाओ यहाँ से। बंटी रुको, क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? देखो तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो जाएगा। अब जाओ गुड नाइट, उसके कमरे में जाओ। जाओ ना। कौन है? अरे कौन है? चौकीदार, चौकीदार जी। मालिक सो रहे थे क्या? नहीं तो मालिक, पिछली दीवार से कुछ आवाजें आई हैं, देखो तो कौन है? वही जानवर होगा मालिक। अच्छा, देखो देखो तुम्हारे पास। आप कहीं बस जाइएगा, वरना वो फिर से मुझे उठाकर ले जाएगा। हम कहीं नहीं जाएंगे और हमारे होते हुए तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। अंदर कैसे आ गया? पता नहीं, मैं तो सो रही थी, अचानक वो मेरे सामने आ गया और मेरा गला थमने लगा। अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। उसने मेरा मुंह भी बंद कर दिया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो मुझे उठाकर ले जा रहा है? तुम्हारी चीख से। वो कौन था? वो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने अपने चेहरे पे कपड़ा बांध के रखा था, लेकिन मैं उसकी आंखें पहचान सकती हूँ। मालिक वो भाग गए। मालिक आराम करो। एक आदमी यहाँ घुसकर हमारी बीवी को उठाकर ले जा रहा था और तुम पड़े पड़े सो रहे थे। अब अगर एक परिंदा भी यहाँ फड़का ना तो मैं तुम लोगों की खान तोड़ दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो मत घबराओ, हम कल ही यहाँ से चलेंगे। हा?